नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एज ग्लोबल सॉल्यूशंस में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 16 इंच का कंक्रीट कटर, यानी कि स्लैब काटने की मशीन। इस मशीन से आप एक बहुत बड़े काम को बहुत ज्यादा आसान और छोटा कर सकते हो। ये मशीन से आप छत काट सकते हो, RCC की स्लैब काट सकते हो, दीवार काट सकते हो, सभी तरीके के पत्थर काट सकते हो। मशीन है टूल मास्टर कंपनी की। तो इसे बॉक्स से बाहर निकालते हैं। बॉक्स से बाहर निकालते इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अंदर 4200 वॉट का कॉपर का हैवी ड्यूटी मोटर मिलता है, 4700 आरपीएम की स्पीड से काम करता है। बॉक्स में सबसे पहले मशीन का यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड मिलता है और ये इसके कुछ अटैचमेंट वगैरह आते हैं वो हो गए। यहाँ पे आपको पानी चलाने के लिए पंप और पाइप मिलता है। इसका यूज अभी हम आगे आपको डेमो में बताएंगे। तो ये है फाइनली मशीन। इस मशीन का यूज आप कर सकते हो, जैसे अगर आपको RCC का लेंटर कहीं पे गलत पड़ गया उसको काटना है और बिना डेमोलिश करे, बिना दीवार को लेंटर को नुकसान पहुंचाए तब कर सकते हो। अगर आपको दीवार काट के दीवार में से दरवाजा निकालना है बिना दीवार को चोट पहुंचाए तब कर सकते हो। आपको फर्श काटना है, सड़क काटना है, तार बिछाने के लिए, केबल बिछाने के लिए, तब आप इस मशीन को यूज कर सकते हो। यानी कि ये मल्टीपर्पज मशीन है। इसके अंदर आपको 4600 वाट का कॉपर का मोटर मिलता है, 4700 आरपीएम की स्पीड से ये मशीन काम करती है। इसके साथ में जो ब्लेड आता है, इसके साथ हम आपको देंगे JRK कंपनी का 16 इंच का ब्लेड। ये मशीन की कटिंग कैपेसिटी होगी मैक्सिमम, ये मशीन एक बार में लगभग 6 इंच गहरा कोई भी आपका RCC का स्लैब हो गया, दीवार हो गया, पत्थर हो गया, वो कट कर सकती है। यहाँ पे आपको एक कवर मिलता है। ये कवर का दो काम होगा, जब आप लेंटर कट करोगे तब जितनी भी डस्ट होगी डस्ट को ये प्रोटेक्ट करेगा, और इसको आप अगर आपको दीवार काटना है तो इस पोजीशन में कर सकते हैं, और अगर आपको स्लैब कट करना है, छत कट करना है, तब आप इसको इस वाली पोजीशन में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ये दो व्हील दिख रहे हैं। अगर आप लेंटर काटोगे तो ये इस तरीके से आगे की तरफ होती रहेगी, आपको किसी भी तरीके का कोई लोड नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये मेटल का हैंडल मिलता है जिसके ऊपर प्लास्टिक की ग्रिपिंग है, ताकि जब भी आप कटिंग करो तो इस तरीके से ये आपके हाथ पे सपोर्ट दे। एंड इसके नीचे ये मट फ्लैप है। मट फ्लैप का काम, जब भी आप कटिंग करोगे जितनी भी धूल होगी, कीचड़ होगी, पत्थर होंगे, वो आपके ऊपर नहीं आएंगे, वो इस मट फ्लैप के जरिए यहीं खुद ही रुक जाएगा, जिससे कि मोटर भी सेफ रहेगी। एंड बैक साइड में इसके कार्बन पड़ेंगे। इसके साथ में 1 पेयर कार्बन कंपनी आपको एक्स्ट्रा देती है। कार्बन की लाइफ होती है मैक्सिमम 80 घंटा। अगर आपको लगे कि आपकी मशीन 80 घंटा लगभग चल चुकी है, तब आप इसके कार्बन चेंज कर दें, जिससे कि मोटर की लाइफ की ड्यूरेबिलिटी बढ़ी रहेगी। ये इसका ट्रिगर और ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पे भी आपको डबल लॉक फंक्शन मिलता है। इसके साइड में एक बटन है, जब मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो इसका स्विच काम करेगा, अदरवाइज इसका स्विच काम नहीं करेगा। इसके साथ में आपको ये दो अटैचमेंट मिलते हैं। पहला मिलता है, अगर आपको ये मशीन के साथ वैक्यूम क्लीनर अटैच करना है तब आप ये वाला अटैचमेंट लगा सकते हो, और दूसरा आपको मिलता है पानी के पाइप चलाने के लिए। यहाँ पे आपको ये पानी के पाइप की सेटिंग मिलती है। इसके साथ में ये वाला जो पाइप आता है, ये वाला पाइप और पंप आता है, ये पंप आप कनेक्ट कर सकते हो पानी की बाल्टी में डाल के, जिससे कि दो फायदे होंगे। पहला, मशीन ठंडी रहेगी, और दूसरा, जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो सारी कीचड़ बनती रहेगी। इसकी वायर आती है लगभग 2 से 3 मीटर की। वायर के अंदर भी आपको डबल फ्यूज वाला फंक्शन मिलता है, ताकि वोल्टेज कम ज्यादा होने पे मशीन की मोटर पे कोई फर्क ना पड़े। इसके साथ में हमें ये जो स्टैंड मिलता है या डेप्थ गेज मिलता है, इसका जो काम होता है, आपको कहीं पे 5 इंच कट करने हैं, कहीं पर आपको 4 इंच कट करने हैं, तो आप इसके जरिए इसकी डेप्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको अभी हम आपको आगे डेमो में दिखाएंगे। अब मैं आपको इस मशीन में ब्लेड लगाकर दिखाऊंगा कि ये मशीन किस तरीके से काम करेगी, फिर हम आपको इस मशीन का डेमो दिखाएंगे। ब्लेड लगाना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके साथ में हमें एक स्पैनर मिलता है और एक ये एलकी मिलती है, उसके जरिए आप इस वाले बोल्ट को खोलोगे, और इसके बाद हम आपको इस मशीन में ब्लेड लगाकर दिखाएंगे कि एग्जैक्टली मशीन ये कैसा काम करेगी। आपने बस इसको इस तरीके से रखना है, और आप इसको यहाँ पे रखने के बाद इसमें आपको ब्लेड के साथ एक वॉशर मिलता है, वो वॉशर लगाओगे। वो वॉशर लगाने के बाद इसको जिस पोजीशन में था ये, वो सेम पोजीशन में रखकर आप इस वाले इस बोल्ट को लगाकर स्पैनर के जरिए से टाइट कर दोगे, और फाइनली ये मशीन में लग चुका है ब्लेड। ब्लेड लगाने के बाद हम इस मशीन के ऊपर इसका डेप्थ वाला गेज लगाएंगे। आप जस्ट इसको यहां रखोगे, यहां पर आपको ये मट फ्लैप के ऊपर दो होल्स मिलते हैं, ये दो होल्स पे आप इसको लगाओगे। एक एल की और इसका अटैचमेंट मिलता है, जिसको आप यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे, जिसको आप यहाँ पे इजीली लगा दोगे। लगाने के बाद ये स्क्रू आता है, आप ये इसका स्क्रू से इसको अच्छे से टाइट कर दोगे। इसका दूसरा वाला पार्ट लगेगा यहाँ पर, ये पार्ट लगाने के लिए यहाँ पे हमें इसके दो अटैचमेंट्स मिलते हैं। सबसे पहले हमने इसको यहां लगाना होता है, ये
यहाँ से आप सिंपल मशीन का ये अटैचमेंट लगाकर इसकी डेप्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये मशीन रेडी फॉर यूज है और ये वाला जो अटैचमेंट होता है, इस अटैचमेंट को आप इस तरीके से ऊपर या नीचे की तरफ कर सकते हो मशीन की डेप्थ को कम और ज्यादा करने के लिए। इस वाले फ्रेम को भी आप इस तरीके से ऊपर या नीचे कर सकते हो। इस पोजीशन में आप करोगे तभी आपका आरसीसी का स्लैब या लेंटर काटेगा, फर्श काटेगा, और अगर आपको दीवार काटना है तब आप इसको ऐसी पोजीशन में करके चला सकते हैं। तो चलाते टाइम पे दो चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि पहला आपको मशीन के साथ हमेशा पानी चलाने वाला पंप और पाइप लगा के रखना है ताकि मशीन ठंडी रहे। आपने यहाँ एक चीज देखी कि जब मैंने ये मशीन को ऑन करा तो इसका ब्लेड बिल्कुल लो स्पीड के साथ हाई हुआ, जो कि आपको अच्छी महंगी मशीन्स के अंदर मिलता है। और अभी मैं आपको इस मशीन का प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा, इस मशीन से काम करते हुए, इस मशीन से छत काटते हुए, दीवार काटते हुए, पत्थर काटते हुए। आपने इस मशीन का डेमो देखा, डेमो देखने के बाद आपकी दो चार चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये मशीन बहुत अच्छे से स्लैब काट सकती है, आरसीसी का लेंटर काट सकती है, छत काट सकती है, दीवार काट सकती है, पत्थर काट सकती है, ग्रेनाइट काट सकती है, मार्बल काट सकती है, ओवरऑल कंक्रीट और स्लैब कटिंग से रिलेटेड सारा काम ये अकेली मशीन कर सकती है। अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।